हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में जीएम न्यूट्रिशन का एचक्यू होए प्रोटीन एंड मसल ब्लच का आईएसओ 0 होए के कंपेयर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। दोस्तों सबसे पहले जीएम न्यूट्रिशन के एचक्यू होए प्रोटीन को देखते हैं। इसके स्कूप के साइज है 28.8 ग्राम और पार स्कूप में आपको प्रोटीन मिलेंगे 25.5 ग्राम एंड कार्ब्स मिलेंगे 3.27 ग्राम, मतलब आपको 88% प्रोटीन मिल जाएंगे आसानी से। इसमें सोडियम है 1.06 ग्राम, मतलब बहुत ही कम सोडियम है इसके अंदर। इसमें आपको 365 कैलोरी मिलेंगे। ये लैक्टोज फ्री एंड ग्लूटेन फ्री है। फैट्स इसका 0 है, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल भी 0 है। और दोस्तों इसका इंग्रेडिएंट्स है आइसोलेट होए प्रोटीन स्वीटनर जो सुक्रालोज है एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कोकोआ पाउडर। दोस्तों आप देखते हैं मसल ब्लच का आईएसओ होए प्रोटीन का इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम ही है। आइसोलेट हुए, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसके भी सुक्रालोजी है। 35 ग्राम के सर्विंग में आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे लेवल के हिसाब से। लगभग 85 से 86% प्रोटीन आपको मिल जाएंगे। BCAA 6.64 ग्राम और एसेंशियल अमीनो एसिड 14.15 ग्राम आपको मिल जाएंगे। ग्लूटामिन भी आपको मिलेंगे 5.28 ग्राम। दोस्तों इसके भी शुगर 0 है, कोलेस्ट्रॉल भी 0 है, ये भी लैक्टोज फ्री है और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। दोनों का ही अमीनो एसिड प्रोफाइल लगभग सेम ही है। दोस्तों इसमें कार्ब्स है 0, मतलब ये प्रोडक्ट कार्ब फ्री है। और HQA में आपको 3.27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे लैब टेस्ट के हिसाब से, और लेवल के हिसाब से लेस देन 1 ग्राम। और प्राइस को देखेंगे तो वो भी लगभग सेम ही है। HQA का प्राइस है 2850 फॉर 2 LBS के। 4800 से लेकर 5400 रुपीस के अंदर मसल ब्लच का आयो से हुए 2 केजी का पैक मिल जाएंगे। मतलब दोनों प्रोडक्ट में उतना डिफरेंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे थे। आप लोग दोनों में से किसी भी ब्रांड को चूज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। आई होप कुरुमन सर HQA का 5 LBS का प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करेंगे तो इसका प्राइस और भी सस्ता हो सकता है। दोस्तों पिछले वीडियो में गलती से मैंने 3000 को 300 बोल दिया था, उस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। गलती तो भगवान से भी हो जाते है, हम तो इंसान है, हो गए गलती, बच्चे के जान लोगे क्या। और दोस्तों मैं सर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, उनके लाखों फैंस में मैं भी एक फैन हूँ। मैं सिर्फ चाहता था कि प्राइस थोड़ा अफोर्डेबल हो जाए, भले ही वो उतना कम नहीं हुए, फिर भी उस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था और कुछ नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन को दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल बटन को प्रेस करने से ही अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।